हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं KWH यानी कि यूनिट के बारे में। आखिर ये KWH क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इस वीडियो के एंड तक जो है आप अपने इंडस्ट्रीज के जो भी KWH है उसे आप कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अब बात करते हैं आखिर ये KWH क्या है। तो गाइज, आप अपने घरों का बिजली बिल देखो या फिर आप अपने इंडस्ट्रीज का, आपको इस दोनों बिजली बिल में एक कॉमन सा वर्ड देखने को मिलेगा जो कि होता है KWH। और मैंने बताया कि ये KWH जो है ये कॉमन सा वर्ड है, तो KWH को ही जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर ये KWH से क्या इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो है W के बारे में बताना चाहता हूँ। ये W जो वाट, आखिर हमारा जो भी अप्लायंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो भी हम लोग अपना घरों पे जो फ़ैन यूज़ करते हैं वो 50 वाट का होता है। सपोज़ मान लीजिए आपको LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं 9 वाट का, या फिर जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज़ में आप जो है मोटर का यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ 5.5 किलोवाट का मोटर है, तो जो भी अप्लायंस है ना उस वो जो है कितना पावर उसमें जो है लगेगा, यानी कि कितने पावर का जो है रिक्वायरमेंट है उसे, उस चीज़ को जो है ये वाट बताती है। ये है कैसे जो है किलो को डिनोट किया जाता है, यानी कि जो हमारा वाट है उसको हम लोग जब किलो वाट में कर देंगे तो हमारा जो नंबर बहुत बड़ा है वो बहुत छोटा सा हो जाता है। और KWH लास्ट में जो H बच गया, ये H से जो है आवर यानी कि टाइम को जो है दर्शाया जाता है। तो गाइस, मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपका जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ ताकि आप लोग इसे पहले अच्छे से समझ जाएं, और उसके बाद आपके पास जो भी अप्लायंस है उस अप्लायंस का जो है आप KWH आसान तरीके से निकाल सको। तो देखिए, मैं जो अप्लायंस लिया हूँ ये तीन है, बेसिकली एक मोटर है, दूसरा LED और तीसरा फैन है, जो कि हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता ही है और घरों में भी ये यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा मोटर है ये 800 वाट का है, हमारा LED 250 वाट का है, और वो फैन जो है 50 वाट का है। आपको जो भी बता रहा हूँ वो जो है आप इमेज से जो है कोरिलेट करिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। गाइस, अब हमें ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमारा मोटर, LED और फैन है आखिर कितना नंबर्स है। तो गाइस, जैसे कि आप एग्जांपल पे देख पा रहे हो, हमारा मोटर जो है वो 2 है, LED जो है हमारे पास वो 5 है, और फैन जो है 10 है। गाइस, अब आपको जो है वाट पता करना पड़ेगा, हमारे जो मोटर, LED और फैन यूज़ कर रहे वो आखिर कितने वाट का है। तो एग्जांपल पे आप देख पा रहे हो कि वहाँ जो है मोटर 800 वाट का है, LED 250 का है, और फैन जो है 50 वाट का है। गाइस, अब आपके मन में जो एक सवाल आया होगा, ये जो वाट है आखिर इसका पता हम लोग कैसे करेंगे। तो आप जो भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हो ना उसके बॉडी में जो है उसका नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट में जो है आपको वो वेट के बारे में पता आप उधर से कर सकते हो। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमारा मोटर, LED और फैन है ये आखिर कितने घंटे रन कर रही है एक दिन में। तो जैसे कि आप एग्जांपल पे देख पा रहे हो, ये जो मोटर ये 4 घंटे, हमारा जो LED है ये 10 घंटे रन कर रही है, और ये जो फैन है ये 8 घंटे रन कर रही है। जब आपके पास ये अगर तीनों डेटा अवेलेबल है तो आप जो है आसान तरीके से एक दिन का यूनिट कितना होता है वो आप निकाल सकते हो। आपको जो है वाट, नंबर्स ऑफ अप्लायंस और जो आवर यानी कि कितने घंटे हमारे अप्लायंस चले हैं, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करके सबको सेपरेट करके लिख देना हो। आप देख रहे हो मोटर के केस में जो है 6400 वाट हुआ है, LED के केस में जो है 12500 वाट हुआ है, फैन के केस में जो है 4000 वाट निकला है। अब ये जो तीनों वाट निकल गया, इस तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2900 वाट जो है हमारे पास आता है। अब गाइस, इस वाट को जो है हम लोग पहले किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट में अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.9 किलोवाट, यानी कि ये जो 22.9 किलोवाट है ये जो है एक दिन का हमें यूनिट पता चल गया। अब गाइज, हमें पता है कि हमारा जो है वन मंथ में 30 डेज होता है, तो अब हम लोग इसे जो है 30 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है एक महीने का कितना किलोवाट आखिर कंज्यूम हुआ है वो जो है हम लोग आसान तरीके से पता कर सकते हैं। आपका एक यूनिट का खर्चा अगर 5 रुपया आता हो तो आप तो 30 दिन का जितने भी किलोवाट आपका जो है कंज्यूम हुआ है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो है रुपीस में वो आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया आखिर ये किलोवाट क्या है और आखिर इसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो गाइज, आप भी अपने घरों का किलोवाट या फिर इंडस्ट्रीज का किलोवाट जो है कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है और मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उसे भी पता चल सके आखिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रियल फैक्ट क्या है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।